आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी प्रोटीन पाउडर, वो भी कैल्शियम फाइबर से भरपूर। आप इसको अगर एक बार बना लेंगे आराम से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। अगर आपके बच्चे बाहर रहते हैं उनको आप ये पाउडर बना के ज़रूर दें, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके लिए आप 12 बादाम ले लें, 2 अखरोट ले लें, 1 कटोरी अलसी के दाने, 1 कटोरी मूंगफली, 1 कटोरी चना है, 1/4 तिल है, 1 कटोरी नारियल बुरादा, 1 कटोरी फूल मखाना है, और इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से केसर के धागे और इलायची। अब इसको आप बारी बारी से सभी को रोस्ट करना है। तो पहले मैंने मखाना डाल दिया है मीडियम फ्लेम पे। आप 1 से 2 मिनट इसको अच्छा क्रंची होने तक करें, जैसे हाथ से वो टूट जाए। और इसके बाद हमने डाल दिया है अलसी के बीज को। और इसकी जो फ़ायदे हैं आपको सभी को पता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है अलसी। और इसको आपको मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट ही रोस्ट करना है। चटकने लग जाती है तब तक के इसको रोस्ट करना है। और उसके बाद हम ऐड कर देंगे यहाँ पे मूंगफली, और मूंगफली को भी आपको मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट ही रोस्ट करना है। इस बात का ध्यान रखें आपको आँच तेज नहीं करनी है, सबको मीडियम फ्लेम पे ही करना है। रोस्ट करने का 3 कारण होता है। पहला तो इसकी नमी निकल जाए, दूसरा ये पीसने में आसान हो जाता है, और तीसरा इसकी जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है पाउडर फॉर्म में हम जब रखते हैं। और इसके बाद में अखरोट और बादाम को आपको रोस्ट कर लेना है। कम मात्रा में मैंने बादाम और अखरोट को डाला है। पिछली मेरी वीडियो ड्राई फ्रूट्स पाउडर वाली थी, प्रोटीन पाउडर वाली, लोगों ने बहुत पसंद की। तो उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा बताएं जो कम बजट में हम भी बना सकें, तो ये आप बना के ज़रूर एक बार ट्राई करें, बेहद फ़ायदेमंद है। इसमें हम अब डाल देंगे तिल और ये नारियल का बुरादा। इसको एक साथ लास्ट में हमने डाल के भून लिया है, तो जब तिल थोड़ा सा क्रंची हो जाए तब तक इसको हमने भुनना है। अब आप देख पा रहे हैं इसमें जो भी चीज़ें हैं बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही किफ़ायती है। आप आसानी से इसको बना सकते हो। कुछ चीज़ें अगर आपके पास में नहीं हैं तो टेंशन नहीं लेना, उसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। इसमें हम भुना हुआ चना भी ऐड करेंगे जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे आजकल बच्चे बाहर रहते हैं, कोचिंग जाते हैं, और आप इसको घर से बना के उनको एक शीशी में भर के, बॉटल में भर के दे सकते हो, जिससे वो महीना 15 दिन तक तो आराम से चला सकते हैं। और वहाँ पे वो अगर दूध लेते हैं, दूध तो आजकल सभी ले लेते हैं बाहर रहते हैं जो, उसमें 1 चम्मच अगर वो डाल के पीते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि उनको दिन भर शारीरिक परिश्रम भी करना होता है आने जाने में, और फिर मानसिक उनका भी काम होता है। तो बहुत अच्छा ये होता है पूरा ओवरऑल हेल्थ के लिए। जिन महिलाओं को हड्डियों में काफ़ी दर्द है उसके लिए ये फूल मखाने का जो ये पाउडर है, अलसी का पाउडर है, कमर दर्द के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये सभी के लिए बहुत अच्छा है, इससे कोई वज़न गेन नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे वेट गेन होता है, बिल्कुल नहीं। हम बाहर की जो चीज़ें अनबन खाते हैं उससे बेटर है कि 1 चम्मच रोज़ाना हम इसे ले लें। आप इसे दूध में ही नहीं बल्कि दूसरे चीज़ों में भी ले सकते हो। जैसे बच्चों के लिए कुछ आप डिश बना रहे हो उसमें आप 1 चम्मच ये डाल सकते हो। जैसे दलिया बना रहे हो स्वीट वाला, उसमें 1 स्पून आप ये छोटे बच्चों को भी दे सकते हो। मात्रा कम ज़्यादा आप अपने डॉक्टर से पूछ के कर सकते हो। सबका डाइजेस्टिव अलग अलग है, किसी का पाचन कमज़ोर होता है तो वो भले ही आप पूछ सकते हैं, पर ये सब नेचुरल चीज़ें हैं जो आप आराम से अपने हाथों से जब बनाते हो तो आपको पता होता है कि आप इसमें क्या डाल रहे हो, और सबके आपको गुण पता होते हैं, फ़ायदे पता होते हैं, क्योंकि आजकल हम सब सर्च करके पता लगा लेते हैं। और इसको आप मिक्सी में थोड़ा थोड़ा डाल के पीसें, नहीं तो मिक्सी ख़राब हो जाए होने का चांस रहता है, इसलिए आराम से इसको रुक रुक के पीसें, एकदम कंटिन्यू मिक्सी को ना चलाएँ। तो ये पाउडर फॉर्म में हमने थाली में सारे जो अपनी चीज़ें थी उसको पीस के डाल देनी है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, और ये बहुत बढ़िया होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। कुछ लोग कहते हैं गर्म करता है, तो ऐसा नहीं है। जो हम बाहर की चीज़ें खाते हैं उससे तो ये बहुत बेटर होता है। आप इसको रात को सोते समय दूध में 1/2 चम्मच डाल के पी सकते हो, बहुत ही बेटर है ये। और ये जो इलायची और केसर रह गया था उसको थोड़े से पाउडर के साथ में आप इसको मिक्स कर लेंगे तो वो अच्छे से पिसा जाएगा। अब आप इसको स्टोर करके इस प्रकार रख सकते हो।
और इसको आराम से आप फ्रीज में एक महीना के लिए रख सकते हैं। गर्मी सीजन के ऊपर भी डिपेंड है, विंटर में ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिक जाती है। और कोशिश करें कि बनाए वापस फिर से ताज़ा बना लें, ज़्यादा दिन तक क्यों रखने का है, 15 से 20 दिन भी रहता है बहुत होता है। तो ये स्पेशल बच्चों के लिए जो बाहर रहते हैं, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं बाहर रहते हैं, मैं उनको अक्सर ऐसे बना के दे देती हूँ, क्योंकि बाहर की कुछ चीज़ें खरीद कर खाएंगे उससे बेटर है आप अपने हाथों से बना हुआ, प्यार से जो बना हुआ देते हैं वो एक अलग ही आप देखेंगे उसका अलग ही गुण होता है। तो आप ज़रूर ये ट्राई करें और लोगों को भी शेयर करें, क्योंकि सभी को प्रोटीन की, विटामिन्स की कमी होती है, कैल्शियम की। तो ये पूरी आपको एक चम्मच में गुणों का खजाना है, आप खुद देख पा रहे हो। और इसको आप दूध के साथ में रात में सोते समय बेड टाइम ले सकते हैं, और एक एक चम्मच आप किसी भी मील में आप डाल के खा सकते हो। जैसे ये पाउडर है, आप इसको दही में भी डाल के खा सकते हो, बहुत ही हेल्दी है ये। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को भी शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।